दीदी, सबसे पहला प्रश्न ये आजकल का सर्दियों के हिसाब से पूछा हुआ है। कहते हैं कि 5 बजे की मुरली है दीदी, क्या बिना स्नान किए सुनना चाहिए? क्या सुन सकते हैं? बड़ा ही रोचक प्रश्न है आपका। हम सब प्रभु प्रिय आत्माएं हैं और हम सब ने बाबा को परम शिक्षक के रूप में, और हम खुद गॉडली स्टूडेंट हैं, तो मुरली का जो सही आनंद है ना, वो पूरी अच्छी तरह से तैयार होकर, जिन्हें बैच मिला हुआ है, बैच भी लगाकर, डायरी पेन हाथ में लेकर बैठे और पूरी तैयारी के साथ नहा धो के अगर हम सुनते हैं तो बहुत बहुत अच्छा है। हाँ, पर किसी को कोई तकलीफ है, वो इतनी जल्दी नहीं कर सकता स्नान, तो कोई बात नहीं, उसमें बाबा भी कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आलस के वश हम ऐसे ही सुने, वो शोभा नहीं देता। मुरली का जो आनंद है वो उस स्थान को छोड़ दे जहां पूरी रात सोए। अगर आप वहीं पर बैठे बैठे सुनेंगे ना, तो नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा। आप एक ऐसे स्थान पर बैठो, भले वो साफ स्वच्छ हो, आप चाहे सोफा पे बैठ सकते हैं, चेयर पे बैठ सकते हैं, जहां पर मान लीजिए घर में कोई ड्राइंग रूम है ऐसा, या पर आपके घर में मेडिटेशन रूम है, वहां बैठ करके हम बाबा की मुरली पूरी तैयारी के साथ नहा धो के ही सुने तो बहुत अच्छा है। पहला नंबर तो वो है। हाँ, अगर किसी को कोई मजबूरी है, वो नहीं नहा सकते, तो फिर वो अच्छे से हाथ मुंह धो के उस तरह से बैठ सकते हैं, लेकिन वो मजबूरी वाली बात है। मुरली का सुख लेना है तो नहा धो के ही बैठना। दीदी, अगला प्रश्न है, किसी भाई ने पूछा है कि हम गृहस्थ में रहते हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, हम कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि बाहर का खाना अवॉइड करें, ज्यादातर समय सात्विक ही खाते हैं, ज्यादातर समय, हमेशा नहीं, परंतु परिस्थिति अनुसार हर जगह अवॉइड नहीं कर पाते। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां थोड़ा सा झिझक फील होती है कि अगर हमने मना किया ये नाराज होंगे, तो इस स्थिति में हम क्या करें दीदी? जिनका भी ये प्रश्न है, उनको लगता है बाबा से बहुत प्यार है और उन्होंने बाबा की श्रीमत को समझा है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन होता है। तो ये ना हमारी अपनी प्रोटेक्शन है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर आपका एक समय निश्चित रहता है और आप योगयुक्त स्थिति में भोजन करते हैं बाबा की याद में, घर से करके चलते हैं, घर से लेकर चलते हैं, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। कहीं आते जाते हैं तो कुछ चीजें हैं ऐसी जो आप उनके साथ ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। बाकी कोई हमसे नाराज हो जाएगा, ये ना हमारी अपनी संकल्पों की उपज है। हम जैसा सोचेंगे ना वैसा रिस्पॉन्स आएगा। आप थोड़ा सा पावरफुल बनिए, बाबा को याद कीजिए, उनके मस्तक में आत्मा देखते हुए उनको बड़े प्यार से कन्विंस कराएंगे, देखिए हम आपसे बहुत दिल से प्यार करते हैं, आपका बहुत रिगार्ड रखते हैं, और आप जो हमें फल खिलाएंगे, जल देंगे, हम जरूर लेंगे, लेकिन भोजन हम ठीक समय पर ही लेते हैं। ऐसे उनको प्यार से अगर बताते, तो एक ही बार बताने से आपका मार्ग हमेशा के लिए खुल जाता है। पर अगर कहीं कोई मजबूरी आ जाती है, तो भी कोशिश करें कि सात्विक फूड होना चाहिए, प्याज लहसुन ना हो, और फिर बाबा को याद करके आप ले सकते हैं। जैसे मान लो भाई कहीं जाते हैं बिजनेस के लिए और वहां वो खुद बना नहीं सकते हैं, तो जहां परिवार में गए हैं उनको बता सकते हैं कि वो बिना प्याज लहसुन का आपको भोजन दे दे, और जो खुद बना सकती हैं बहने, उनको इसमें लापरवाही नहीं करनी है, उनको कोशिश करनी है योगयुक्त स्थिति में रह के ही भोजन बनाना है। बाबा ने हम सबको ये सारी बातें मुरली में समझा दी है कि कहाँ कहाँ आपको फ्लेक्सिबल बनना है और कहाँ दृढ़ संकल्पधारी बनना है। भोजन की बात बहुतों के सामने आ सकती है, कोई बिजनेस के लिए कई कई दिन बाहर रहते हैं, तो थोड़ी सी लिस्ट बना लीजिए हम क्या क्या बाहर जाकर ले सकते हैं, वही चीजें हम लें। लेकिन प्याज लहसुन तो तामसिक भोजन ही है, वो हमें नहीं लेना है, ऐसे हमें टेंशन रखें। कोई नाराज हो जाएगा, इस चक्कर में मत जाइए। आप उनको प्यार से बताएंगे तो रूहानी स्नेह में वो ताकत है कि लोग आपको सैल्यूट करेंगे। मैंने देखा है, करते हैं कि अरे आप लोग इतना कर सकते हैं, हम जो आपकी मदद कर सकते हैं, आप हमें बताइए, हम आपका नियम क्यों तोड़वाएं। ऐसे उनको बहुत, तो को बहुत अच्छा लगता है कि ये लोग परिवारों में रहते इतने अच्छे नियम पालन कर रहे हैं,
वो स्वीकार भी करते हैं। कोई 1% रिजिड भी हो सकता है, तो ऐसे में आप पर्सनल मुलाकात करके पूछ सकते हैं, फोन पे बात करके पूछ सकते हैं, किसी की कोई विशेष परिस्थिति हो सकती है, तो ऐसे में फिर बाबा की याद में रह के उसको दृष्टि देके हम ले सकते हैं। दीदी ये तो हुआ किसी मजबूर आत्मा का प्रश्न जो अभी हम सुन रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको कोई मजबूरी नहीं है पर मिठाई को देख के ना वो रह नहीं पाते, उनका दिल करता है खा लें, क्या करें, वो उनके लिए क्या सोल्यूशन? अब ये वाली बात सुन के ना बहुतों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई है, तो इससे पता चल रहा है कि कभी कभी ऐसा हो जाता है उनके साथ कि देख करके खाने का मन कर जाता है। देखिए कि हमें क्यों नहीं खाना, पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए। अगर हमें ये बात समझ में आ गई कि ये परमात्म आदेश है और जैसा अन वैसा मन होता है, और वो जो बनी हुई मिठाई है वो कैसे कैसे बनी, अगर आप एक बार बनते देख लेंगे ना, एक बार कैसे वो बनाते हैं, बनाने वाले की स्थिति क्या होती है, वहां क्या चल रहा होता है, आपका कभी मन नहीं करेगा। आप कोशिश करें बाबा की याद में घर में बनाए, और अपने उसमें भी अवेकनिंग पे, दूसरे चैनल्स पे भी ये चीज बताई जाती कि कैसे आपको बनानी है मिठाइयां आदि, आपको मिल जाएंगी उसकी पूरी विधि भी। आप खुद बनाइए बाबा की याद में, लेकिन बाहर की मिठाइयां देख करके हमारा दिल अगर ललचा जाता है तो इससे पता चलता है कि हम अपनी इंद्रियों के वशीभूत हो गए, गुलाम हो गए। हम तो आत्मा राजा हैं, हम उसको जो आदेश देंगे वो ही होना चाहिए। जीव रस के वश हमें आकर्षित नहीं होना, क्योंकि आज एक चीज खाई कल दूसरी खाई, ऐसे तो हम भटकते ही रहेंगे और बाबा से बुद्धि योग लगेगा ही नहीं। संयम का मतलब है कि जो आदेश दे आपके मन बुद्धि उस बात को माने। तो इसमें थोड़ा सा स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं इस स्वमान में टिकने का अभ्यास करें, और घर में कोशिश करके बनाएं। शुरू में जैसे आपका मन कर रहा है कोई चीज, तो घर में बाबा की याद में बनाएं, भोग लगा के खाएं, ऐसा हम कर सकते हैं। दीदी क्या हम घर का काम करते करते भी मुरली सुन सकते हैं कि किसी माता का मैसेज आएगा? हाँ, पहले एक बार तो हम डायरी पेन लेकर के बैठे और विधिवत सुने जैसे क्लास में सुनते हैं, लेकिन अगर बाई चांस कहीं जाना है और आपको उसी समय कोई कार्य करना है, भोजन नाश्ता आदि बनाना है, तो मुरली चला दें, कोई बात नहीं, पूरे घर के अंदर वाइब्रेशन भी अच्छे हो जाते हैं। फिर दिन में टाइम निकाल के बैठ करके पूरी सुने, क्योंकि कर्म करते जब हम सुनते हैं तो पूरी मुरली पर टेंशन नहीं जाता है। तो ऐसे समय पर कोशिश करें कि दिन में भी बैठ करके पूरी मुरली प्यार से सुन लें, सुबह मुरली चला के आप कार्य कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी दीदी आपका मतलब सुबह एक बार जरूर सुननी है, उस समय अगर बिजी हैं तो चलाते हुए और काम करते हुए सुनते रहें, और अगर ऐसा कुछ होता तो दिन में फिर बैठ के एक बार जरूर सुने अच्छी तरह से पूरी स्टूडेंट। जी दीदी एक कोई बहन है पूछ रहे हैं कि हमारा छोटा बच्चा है, कभी कभी अमृत वेले के समय ही उठ जाता है, उस वक्त हम उसको सुलाते सुलाते मन ही मन बाबा को याद करते हैं, तो ये भी क्या हमारा जमा होता है? आप योग युक्त रहेंगे तो वो जल्दी से सो जाएगा, आपका टाइम ज्यादा नहीं लेगा, वो कार्य भी करना ही है आपको, आराम से कीजिए बाबा की याद में, उसके मस्तक में भी आत्मा देखते हुए बाबा से किरणें लेके उसको दे। लेकिन आपका तो याद का चार्ट जमा ही हो रहा है, क्योंकि आप याद में वो कार्य कर रहे हैं। अगर आप उसको छोड़ देंगे वो रोता रहेगा, तो योग में भी आपको उसकी याद आती रहेगी, तो बाबा ने ऐसा योग नहीं सिखाया। कभी योग के टाइम कोई आवश्यक कार्य कोई आ जाता है तो सहयोग भी योग होता है। आप योग कर रहे हैं और घर में कोई बुजुर्ग है, वो बेचारा कराह रहा है, मुझे पानी दे दो, दवाई दे दो, आप उन्हें नहीं दे रहे हो, तो वो अच्छी बात नहीं है। उस समय वो सहयोग करना भी योग होता है। हम योग युक्त स्थिति में कार्य कर सकते हैं, और उतना ही टाइम थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। मान लीजिए 10 मिनट बीच में ऐसा कुछ हो गया तो 10 मिनट एक्स्ट्रा बैठ जाइए, लेकिन सहयोग भी एक योग होता है। दीदी जैसे कई बहनें होती हैं, नई नई शादी हुई है तो नए परिवार में जाते हैं, पर वो ज्ञान से कनेक्शन उनका हो गया है, वो पूछते हैं कि हम तो ज्ञान में आ गए, परंतु घर वाले कोई भी ज्ञान को समझते नहीं, झगड़ा करते हैं कि आपने नहीं जाना, और वो दुखी भी होते हैं, कहते हैं जब आप इसको छोड़ेंगे हम तब खुश होंगे, नहीं तो बस नाराजगी रहेगी हमेशा के लिए। तो क्या उनके लिए बाबा को छोड़ दें उनकी खुशी के लिए, या श्रीमत का पालन करें? देखिए वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक है,
आपने भगवान को पहचाना है और वो लोग हैं जिन्होंने भगवान को नहीं पहचाना। अगर आप ध्यान से सुनिएगा, ज्ञान की बातों को अपने जीवन में आप उतारते हैं और आपके अंदर बदलाव आ जाता है। आपकी कुछ आदतें जो उन्हें अच्छी नहीं लगती, उनमें वो चेंज देखते हैं, तो आपको कभी रोकेंगे नहीं। हाँ, उनको जब तक ज्ञान समझ में नहीं आया, वो कोई ना कोई बाधा आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। आपको निराश नहीं होना, आपको उनको धन्यवाद करना है और उन चीजों को प्यार से फेस करना है। जब हम ज्ञान में चलते हैं तो सबसे पहले लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, मजाक बनाते हैं, धीरे धीरे वो टोंट कसते हैं। फिर भी आप स्टेबल रहते हैं तो फिर वो आपसे पूछते हैं, आपको यहाँ पे क्या मिला? तो आप उस स्टेज तक पहुंचे, तब तक आपको वेट करनी होगी। आप अपने अंदर से लगन पक्की रखिए और बाबा की याद से उनको गुड वाइब्रेशन दीजिए, जो आपको मना करते हैं। और आपने अंदर से उनके लिए अच्छा सोचना है कि ये हमारे लिए बहुत अच्छे हमारे सहयोगी हैं, जो मेरी भगवान से प्रीत बढ़ा रहे हैं। भगवान को छोड़ देना मतलब निश्चय की कमी, ना तो भगवान को छोड़ना है ना परिवार को छोड़ना है। बाबा ने ये भी नहीं सिखाया कि आप अपने परिवार को छोड़ दो या पति को छोड़ दो, नहीं, वो जो भी है उनको सहयोगी बनाओ। कल हमारे पास एक बहन आई थी मिलने के लिए, कहती मैं 3 साल तक अकेली ज्ञान में चलती रही। मैंने बाबा को बोला कि बाबा ये मेरा जो लौकिक जीवन साथी है इसको सहयोगी बनाओ। कहती मैं बाबा की याद में ना हमेशा ये दृश्य बनाती थी, हम इकट्ठे जा रहे हैं सेंटर पर, सेवा कर रहे हैं हम इकट्ठे, बाबा मिलन कर रहे हैं। कहते वो विजन बनाते बनाते आज इतने अच्छे उसके युगल सहयोगी हैं कि वो यहाँ भी साथ में आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मुझे अब इतना अच्छा लगता है बाबा की सेवा करना कि वो अपनी युगल से भी आगे हैं, उनको बेहद की सेवाएं करना अच्छा लगता है। कभी कहीं कभी कहीं, कहते हमारे दिल में बस एक ही लगन है कि अब बाबा को प्रत्यक्ष करना है। 3 साल उसने भी तो इंतजार की ना, और मैंने तो ऐसी ऐसी गोपिकाएं देखी हैं जो 20-20 साल तक भी इंतजार में लगी रहती हैं, बट बाबा को नहीं छोड़ती हैं। हम भगवान को क्यों छोड़ दें? एक जन्म के लिए यहाँ पर हमें निभाने और सब कुछ निभाना है। भगवान के साथ तो 84 जन्मों का साथ है हमारा, तो ये आपके निश्चय की परख है। डोंट वरी, जो हमें तंग करते हैं उनके साथ हमारे हिसाब है, फिर भी हमें उनको एक चीज हमेशा देते रहना है और वो है गुड विशेस। दिल से शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं और प्यार, निस्वार्थ प्यार। आत्मिक रूप से देखते हुए सोचो, ये आत्मा आज नहीं तो कल सहयोगी जरूर बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है ये देव कुल की आत्मा है, और जब वो सोए होते हैं आपने उनके लिए सोचना है, हे देव कुल की आत्मा, शिव बाबा को पहचानो, बाबा के कार्य में मददगार बनो, बाबा हमारे लिए आए हैं, आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो। ये दिल से बोलना है। कई बार हम दिमाग से तो बोल रहे होते हैं, दिमाग कहता है ये नहीं बदलने वाले, ये तो शराब पीते हैं तो ठीक नहीं होने वाले, ये तो मदद करेंगे ही नहीं, ये तो सेंटर जाएंगे ही नहीं, तो ये नेगेटिव फाइल्स हमारी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। क्लियर? हिम्मतवान बनिए, निश्चय बुद्धि बनिए, देखो बाबा क्या कमाल करता है। इतनी दूर से हमारे लिए आया, कुछ तो करता ही है ना वो, कुछ नहीं मतलब सब कुछ ही करता है। आप जो उसे सौंप देते हैं वो सब कुछ करता है, वो सबको सहयोगी बना देगा, लेकिन उनको बनाएगा जो निश्चय बुद्धि आत्मा है। अगर हमें डगमगा रहे हैं, हाय कोई कुछ कह ना दे, परिवार वाले कुछ ना बोल दें, मायके में कुछ ना बोल दें, ससुराल में कुछ ना बोल दें, तो बाबा को ही मैं छोड़ दूं, ऐसे नहीं। ना छिपना है, ना डरना है, बस बाबा को याद करके उसकी मदद को लेना है। वो असंभव को संभव कर देगा, मुश्किल को आसान कर देगा। दीदी, हमने भी नोट किया है कि कुछ बहनों के जैसे फोन आते हैं ऐसे ही प्रश्न लेकर के, ये अपनी कई बार कमजोरी होती है। मैंने जैसे उनका चार्ट पूछा, वो कहते हैं विघ्न आते हैं, परिवार समस्या कर रहा है कि भाई नहीं जाना वो करना। जब अच्छी तरह चार्ट चेक किया ना, मैंने पूछा कि अमृत वेला कितने बजे करते हैं, कहते कभी कभी मिस हो जाता है, 4:30 उठते हैं। फिर मैंने कहा मुरली कब, कहते हैं कभी कभी मिस हो जाते हैं क्योंकि बिजी होते हैं। कुल मिला के अगर ये सब चीज सेट हो जाए हाँ, जैसे अभी आपने कहा, तो बाबा जरूर मदद करते। मदद करेगा। दीदी, अगला प्रश्न है कि ज्ञान में आने के बाद मोटी मोटी धारणाएं तो हम कर लेते हैं, जैसे पवित्रता भी है, सवेरे उठकर अमृत वेला भी करते हैं, ये तो हम पास हो गए इसमें, लेकिन छोटी छोटी बातों में हम बीच बीच में फेल होते रहते हैं, जैसे बार बार गुस्सा आना, रोना, नाराज होना, इसका क्या कारण है?
और निवारण भी साथ में पूछा। जैसे हमने मोटी आज्ञाओं को महत्व दिया ना, ऐसे ही छोटी छोटी आज्ञाओं को भी महत्व दीजिए, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जब आपको गुस्सा आता है ना, एक बार मिरर के सामने जाओ। कहाँ जाएंगे? दर्पण देखते हैं ना, तैयार होते हैं। जब गुस्सा है ना तब जाना। आपको लगेगा अरे भाई इतना भयंकर हूं मैं, कैसा लग रहा हूं मैं, आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। अपने आपको ज्ञान के दर्पण में देखिए, सोचिए क्या ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को, देव कुल की आत्माओं को गुस्सा करना शोभा देता है? खुद से खुद बात करो, क्या मेरे लिए उचित है, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं भगवान का बच्चा हूं। जब आप खुद से खुद बात करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि चीजें ठीक नहीं है। अभी तक ना हमारे किसी कोने में जहन में कहीं ये बात है, इतना तो चलता ही है, सारे कौन सा ज्ञानी योगी बन गए, कभी कभी तो इनको भी आ ही जाता होगा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं। ऐसे करके हम अपने आप को ढीला ढाला सा कर देते हैं। जितना बड़ी आज्ञाओं को महत्व दिया है, इतना ही छोटी छोटी आज्ञाओं को महत्व देना है कि मुझे शांत रहना है, एकदम रिएक्ट नहीं करना और क्रोध मुक्त रहना है। और अगर ऐसी गलती हो जाए, तुरंत बाबा के सामने बैठो, बाबा को पत्र लिखो, बाबा से क्षमा लो। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों के अधीन रहे, तो हम संपूर्णता की मंजिल को कैसे पाएंगे? पहले आप खुद समझे कि ये चीज मेरे लिए अच्छी नहीं है, और उसके लिए कुछ दिनों का व्रत ले ले। जैसे अभी 18 जनवरी समीप है, कि 18 जनवरी तक मुझे अधिकतर साइलेंस में रहना है, आवश्यकता पड़ने पे बोलना है, बिल्कुल मौन नहीं कहा जा रहा, आवश्यकता पड़ने पर बोलना है। जब संयमित बोल होते हैं तो धीरे धीरे साइलेंस के बल से हम क्रोध पर विजय पा लेते हैं। ये तो छोटी सी मतलब क्रोध की बात है, और भी बहुत सारी आज्ञाएं हैं जिनको हम कई बार इतना महत्व नहीं देते, जैसे आलसी बने रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं, पर वो बोझ तो चढ़ता रहता है ना। बाबा ने कवि एक मुरली में कहा कि बच्चे लीकेज बहुत सारी है, छोटी छोटी आज्ञाएं जब हम नहीं मानते तो वो लीकेज होती रहती है, जिससे आत्मा कमजोर बन जाती है। जैसे हम दुख देते नहीं है पर दुख ले लेते हैं, है ना, दुख देना नहीं है इसमें पास है, पर कोई दुखी करे तो हम हो ही जाते हैं, भूल जाते हैं कि भगवान की आज्ञा है, ना दुख दो ना दुख लो। ऐसे अमृत वेले उठ तो जाते हैं पर विधिवत बैठना है ये याद नहीं रहता, कैसे बैठना वो बाबा ने श्रीमत बताई है। अब कई रजाई में बैठ के अमृत वेला करते हैं, और वो 3 मिनट बैठते बैठते ना धीरे धीरे रजाई में खिसक जाएंगे, और फिर अच्छी सी नींद आ जाएगी, फिर कई घंटों के बाद उठेंगे। तो आधी तो आज्ञा पालन की हमने कि गुड मॉर्निंग कर ली, पर आधी तो मिस हो गई कि विधिवत बैठो। तो ऐसे जो आज्ञाएं बाबा ने दी है उनकी इम्पोर्टेंस को समझना और उनको फॉलो करने से जो खुशी होती है ना, आपको ऐसे लगेगा जैसे हम उड़ रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख में है, आनंद आ रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, आपको लगेगा कि हमारी तो दुनिया ही नहीं है, संगम युग नया युग है और जीने का आनंद आ गया। क्लियर जी दीदी। दीदी लास्ट अभी 2 प्रश्न रहे हुए हैं, उनमें पहला है, अभी संगम पर हम जिन आत्माओं को ज्ञान सुनाते, योग कमेंट्री द्वारा शक्ति भरते, और जैसे अभी आपने मुरली सुनाई, क्या ये भी हमारा कार्मिक अकाउंट बन रहा है, क्या ये हमारे साथ चलेगा सत्युग में भी? ये तो सेवा है ना, आप इसको सेवा भाव से करें, ऐसा करने से आप उनकी पालना के निमित्त बनते हैं और आप ब्लेसिंग्स अर्न करते हैं। ये तो पुण्य है, हमें इसके लिए तो प्रयासरत रहना चाहिए कि हम अधिक से अधिक करें, सहयोगी बने। बाकी इससे मदद मिलती है हमारे पुरुषार्थ में, जैसे आपका मनन चिंतन अच्छा हो जाएगा, आपका योग अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए ये तो संगम युग पर हमें चांस लेना ही चाहिए कि हम दूसरों की मदद करें, उनको कोर्स कराएं, मुरली सुनाएं। अगर मान लीजिए आपने जैसे भी मुरली सुन ली, आप एक्सपेरिमेंट करो कि दिन में किसी एक को भी आपने मुरली पढ़ के सुनाई ना, तो आपका योग अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे एक बहन की ना हर रोज मुरली सुनने के लिए आती थी, उसकी ड्यूटी लगाई कि एक गीता पाठशाला में आपको मुरली सुनानी है। तो मैंने 1 वीक के बाद पूछा आपको कैसा लग रहा है, कहते अब ना योग लगाना नहीं पड़ता, अब अपने आप लगता रहता है। कहते मैं मुरली से पहले बाबा का आह्वान करती हूँ, बाबा आओ आप ही सुनाओ। भले उस क्लास में केवल 10 आत्माएं रोज सुन रही है, पर जो सुनाने वाला उसकी अवस्था भी अच्छी हो गई और सुनने वालों को भी आनंद मिल गया। ठीक है दीदी, लास्ट प्रश्न हम सबके लिए ही है,
किसी ने पूछा है इस जनवरी मास के लिए कोई स्पेशल ऐसा अभ्यास जिससे केवल ये वर्ष ही नहीं हमारा पूरा ही जीवन निर्विघ्न हो जाए, कोई ऐसा पुरुषार्थ की विधि दीदी बता दीजिए। जनवरी मास हमारे लिए तपस्या मास है। आपको 5 मिनट भी टाइम मिलता है ना, तो आप बाबा की याद में बैठो और अपने में शक्ति भरो और सबको शक्ति का दान दो। ये 2022 है ना, इसमें 2 बार दो दो आता है। दो में देते रहना है, बस देते रहना है, किससे लेने की इच्छा नहीं करनी। स्नेह दो, सहयोग दो, निस्वार्थ प्यार दो, मदद करो। जैसे किसी कोई चीज ठीक नहीं है ना, तो हमारे बहुत संकल्प चलते हैं, अब आप ठीक करने में मदद दो। ठीक है, जब आप देने का भाव रखेंगे ना, तो देते रहने से हमारी मनसा स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। जो मनसा सेवा है, ये बहुत अच्छा प्रयोग है, अपने प्रति भी दूसरों के प्रति भी, ये निरंतर करते रहना है। इससे आपकी उन्नति होती रहेगी। और कहीं पर भी कोई चीजें हमारी ठीक नहीं है, उसको ठीक करने के लिए तत्पर रहना है, अपना सैंपल सामने रखना है। जैसे एक बहन ने सुनाया कि उसके बड़े संकल्प चलते थे, जब घर में उनकी माताजी सफाई नहीं रखती थी, तो कहती मैंने ना एक बात सोची कि मैं रोज इतना सोचती हूँ, मैं ना इनकी मदद करूंगी, मुझे देनी है बस, मदद देनी है, ये बिखेरेंगे मैं उसको ठीक करूंगी। मैंने कहा अब कैसा लग रहा है? कहते अब करते करते ना इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने सहयोग देना है। तो सहयोग भी एक योग होता है। इस जनवरी मास में सोचो कि हमें ना व्यर्थ को विदाई देनी है, कहीं पर भी व्यर्थ नहीं सोचना, हमेशा समर्थ का खाता बना के रखना है और अपने मन में शुभ भावनाएं, दुआएं, प्यार सबको देते रहना है। ये जो देने का भाव है ना, तो इससे बाबा ने कहा दूसरों के भी कड़े संस्कार दब जाएंगे, धीरे धीरे बदल जाएंगे, वो आपके सहयोगी बन जाएंगे। यहाँ पर किसी के लिए भी ना कोई नेगेटिव फाइल नहीं क्रिएट करनी है, बस पूरे साल के लिए एक मंत्र बना लेना है, जो भी कोई मुझे मिले, मुझे उसको शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं, दुआएं देते रहना है। अब यहाँ पे आपके लिए पेपर आ सकता है, जो लोग गलत करते हैं अब आप उनको क्या देंगे, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं उनको आप क्या देंगे, मतलब यहाँ आपकी परीक्षा की घड़ी है। फिर भी आप अपने आप को याद दिलाएंगे कि मैं ब्रह्मा बाप समान मास्टर दाता हूँ, मुझे सबको देना है। जनवरी मास के लिए बहुत सारे पुरुषार्थ की बातें हैं, जैसे अधिक से अधिक साइलेंस में रहना, बाबा की जीवन कहानी प्यार से पढ़ना, बुक लो, बाबा की जीवन कहानी पढ़ो, कैसे थे ब्रह्मा बाबा, हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारी दादियों के जीवन कैसे रहे, हर रोज किसी एक की क्लास सुनो, आपको पुरुषार्थ में नवीनता मिल जाएगी। अपने ज्ञान योग चैनल पे भी प्रतिदिन आ रही है बाबा की विशेषताएं, आ रही है ना, तो वो सुनने से हम उनके समीप आ जाते हैं। ये छोटे छोटे पुरुषार्थ हैं, याद में रह के भोजन करना, दूसरों की विशेषताओं को देखना, सबको शुभ भावनाएं देना, ये बहुत सरल सरल सी बातें जो आपको कला की ओर लेके जाएंगी। उसके लिए बस फॉलो फादर ये मंत्र पक्का कर लेंगे। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया, कितने थोड़े से टाइम में आपने इतने प्रश्नों का जवाब इतना सहज और स्पष्ट किया। प्रश्न भले थोड़े भाई बहनों के थे, पर मुझे लगता है इसका फायदा सभी को होने वाला है। बहुत अच्छा लगा दीदी, एक मिनट सप्तमी योग करें सभी, जी एक दीदी मिनट दी। पावरफुल योग करते हैं, सब एकाग्र हो जाएंगे, अपने मस्तक में अपने सत्य स्वरूप को देखेंगे, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें